ये चेतावनी सुन लीजिए। बगैर पास के अनुमति के बाहर नहीं निकलेगा और ये जो कैबिनेट दुकानदार है इनकी जिम्मेदारी है कि आपका कोई सवाल लेने आता है तो उसको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताएं और 1-1 मीटर के फासले पर। ये अलर्ट नोट कर लीजिए। घूमता दिखाई देगा उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी और नोटिफिकेशन किया जाएगा। लॉकडाउन तोड़ने वालों ये मैसेज लिख लो, अगर जरा भी हीरो बने तो पुलिस क्या हाल करेगी ये भी खुद सुनो। ये मुजफ्फरनगर की पुलिस है, एक्टिव है, एक्शन में है, अब कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई रहम नहीं होगी, सीधे चार्ज। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव के बारे में तो जानते ही होंगे, उनके सख्त और कड़क मिजाज से तो आप वाकिफ ही होंगे। उनके आदेश के बाद पुलिस अब पहले से ज्यादा मुस्तैद हो गई है। एसएसपी अभिषेक यादव की अगुवाई में एसएचओ मंडी धनंजय कुशवाहा और कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक दीपक चतुर्वेदी ने मिलकर पूरे थाना इलाके में ये मुहिम चलाई। अब मुजफ्फरनगर पुलिस वीडियो रिकॉर्डिंग से उन लोगों की पहचान कर रही है जो लॉकडाउन में घर से बाहर निकलते हैं। मंडी पुलिस कोतवाली इलाके से लगी कॉलोनी गांधी कॉलोनी, बच्चन कॉलोनी, गांधीनगर, देहात क्षेत्र कुकड़ा, बिलासपुर, शेरनगर जैसे इलाकों में दिन रात गश्त कर रही है। पुलिस का बस एक ही काम है, उन लोगों की पहचान करना जो बिना वजह घर से बाहर निकलते हैं। ऐसे लोगों को पुलिस पहले रोकती है, फिर बात करती है और अगर लगता है कि लोग बेवजह बाहर घूम रहे हैं तो फिर पुलिस नहीं पुलिस का डंडा बोलता है। ऐसे लोगों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई हो रही है। मुजफ्फरनगर से नागरदत्त शर्मा की रिपोर्ट।